यह भी कोई श्रम है, काम तो है। बड़े कारखाने चल रहे, हजारों हजारों वैज्ञानिक लग रहे हैं, वायरस का निर्माण कर रहे हैं। किसी एक राष्ट्र में थोड़ा सा असावधानी के कारण वायरस का डिब्बा पेटी खुल गई, थोड़े से वायरस फैले, कार्यालय के बहुत सारे लोग मर गए। पता चला तो फिर सफाई दी गई कि नहीं नहीं, असावधानी के कारण हुआ, और वे कोई वायरस युद्ध के प्रयोजन से नहीं खोजे जा रहे थे, नहीं किए जा रहे थे, कोई दूसरी खोज चल रही थी और दूसरे कोई कीटाणु आ गए, ऐसा हो गया, कोई युद्ध का प्रयोजन नहीं था। किंतु आज इस बात को अब छिपाया नहीं जा सकता कि हजारों हजारों वैज्ञानिकों का श्रम, लाखों लाखों मजदूरों का श्रम इसमें लग रहा है, और बड़े बड़े कारखाने दिन रात चल रहे हैं कि किस प्रकार भयंकर वायरस पैदा किए जाए और मनुष्य जाति को कैसे जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए, कम से कम दुनिया को भयभीत कैसे, हाँ भयभीत कैसे रखा जाए। और ये आने वाला युद्ध अब अणुयुद्ध नहीं होगा, अणुयुद्ध का युग समाप्त हो चुका, अणुओं का भय भी समाप्त हो चुका, यह युद्ध होगा गैसों का या जीवाणुओं का। इतने भयंकर जीवाणु पैदा किए जा रहे हैं, एक जीवाणु को सेना में छोड़ा, जुखाम लगाने वाला, जुखाम लगने वाले वायरस वे जीवाणु युद्ध के स्थल में छोड़े गए, सारे सैनिक छी 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 करते रहो, बस हाथ में अस्त्र उठाने का ही मौका नहीं है, छींके लेते रहो, नाक को साफ करते रहो, लड़ाई समाप्त होने की। हाँ, भयंकर जुखाम, फुर्सत ही नहीं है हाथ में शस्त्र उठाने की, न जाने कितने प्रकार के वायरस जीवाणुओं की खोज हो रही है, मूर्छा लाने वाले, बीमारियां पैदा करने वाले। एक जीवाणु छोड़ा गया, दस लगने शुरू हुए, फिर लोटा लिए घूमते ही रहो, हाथ में फुर्सत नहीं है किसी को अस्त्र उठाने की। यह भी कोई श्रम है, यह भी कोई कर्मठता है, यह भी कोई कर्मण्यता है, जिससे मनुष्य का कल्याण न हो उससे कोई यह काम हो नहीं सकता। बोधि धर्म जब चीन में गए, सम्राट ने कहा, महाराज मैंने भगवान बुद्ध के निर्देशों के अनुसार कितने काम किए हैं, कुएं खुदवाए, बगीचे लगवाए हैं, चाउवे लगवाई है, दानशालाएं बनाई है, जनता का बहुत उपकार किया है, दुखों को दूर किया है, बहुत सारी